अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं तनु शर्मा, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल फर्स्ट बाइट में। मेरठ के पूर्व सांसद शाहिद अखलाक का परिवार एक बार फिर से विवादों के घेरे में आ गया है। इस बार विवादों में घिरने का सबब बना है पूर्व सांसद का पुत्र। घर की नौकरानी की बेटी ने उस पर छेड़छाड़ के आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। पूर्व सांसद का चुंकी कोतवाली क्षेत्र में खासा प्रभाव है, लिहाजा अभी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। अलबत्ता जांच की बात जरूर कही जा रही है। उधर देर रात नौकरानी पर दबाव बनाया गया और उसने पूर्व सांसद के बेटे के पक्ष में बयान दे दिया। उसका बयान बकायदा रिकॉर्ड किया गया, शपथ पत्र भी लेने की बात सामने आई है। वहीं आपको याद दिला दें कि पूर्व सांसद व पूर्व मेयर शाहिद अखलाक के परिजनों का विवाद से हमेशा नाता रहा है। खुलेआम फायरिंग करना, लोगों को घायल कर देना, छत पर खड़े होकर हथियारों का प्रदर्शन व फायरिंग करने जैसी वारदातों ने पूर्व सांसद के परिवार को हमेशा चर्चाओं में रखा है। हाल ही में पूर्व सांसद के भाई राशिद अखलाक और बेटे साकिब पर अंधाधुंध फायरिंग आशिक व अमान को गोली मारने के आरोप लगे थे। आशिक पक्ष के 8 लोग इस फायरिंग में घायल हो गए थे। पूर्व सांसद के भाई राशिद अखलाक को तो पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया था, लेकिन साकिब पर पुलिस की नरमी साफ नजर आई थी। एक बार फिर से नया विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता पंकज कुमार ने यह जानकारी दी। क्या नाम है आपका? नाम पंकज कुमार, एडवोकेट। क्या मामला है? ये जो शाहिदा मेरे पास आई थी, क्लाइंट थी हमारी, और ये कि शायद शुएब अखलाक जो है कोतवाली क्षेत्र में रहते हैं, और इनके जो इनके फादर का नाम शाहिद अखलाक है, तो मेयर थे पूरे उसमें, तो इस मामले में आई थी कि इनकी लड़की के साथ जो इनके घर पर काम करती थी, गरीब विधवाएं बेचारी है, तो इनकी लड़की और ये काम करती थी उनके यहाँ पर, तो उसके साथ 19 तारीख को शोएब ने जो है कि इनकी लड़की के साथ बदतमीजी गुप्तांगों को छेड़ा कर, तो 19 तारीख की शाम को उन्होंने अपनी मम्मी को बात बताई सारी, तो 20 तारीख को ये लोग इनके पास गए, तो ये कह रहे हैं, तो शोएब अखलाक ने बताया कि मतलब कि तुम्हारी लड़की हमारे घर से 5 लाख रुपये चुरा के ले गई है, और जबकि इस तरह की कोई घटना हुई नहीं है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए वहाँ पर सारे, तो वहाँ से चेकिंग करा ले। तो फिर मैंने DM साहब को, SSP साहब को, आदित्यनाथ योगी को एक एक एप्लीकेशन की दी थी। शाहिद अखलाक के बेटे हैं शोएब, इनकी क्या जो इनकी जो बेटी को बार बार बुला रहे हैं, इनको पूछ रहे हैं इसके पीछे क्या षड्यंत्र? वो शोएब जो है ना, मैंने जहाँ तक सुना है शोएब नशे का आदी है, कि नशे का आदी है, जो भी नशा वशा करता है तो उस नशे के चक्कर में जो पकड़ता है लड़की, कह रहा था कि एक बार कह रहा था कि तुम एक रात बिता ले, 5000 रुपये दूंगा तुझे, तो इस तरह का प्रलोभन देता रहता है। मतलब नौकरानी साजिदा ने मीडिया को यह जानकारी दी। साजिदा, क्या मामला हुआ आपके साथ, कौन परेशान कर रहे हैं? शाहिद अखलाक का बेटा। अच्छा, क्या कह रहे हैं ये लोग? मेरी बेटी को 19 तारीख को 7:30 बजे भेज रहे थे कि एक रात के तुझे 5000 रुपये दूंगा। मेरी बेटी उसको हाथ झटक के भगभगा के आ गई। उन्होंने मेरे से बताया, अम्मी ऐसे ऐसे बात है, मैं काम पे नहीं जाऊंगी। तो मैंने कहा मत जाओ, चलो। मैं चली गई काम पे। जब मैं गई, मैंने पूरे दिन काम करा। 20 तारीख को 10:30 बजे मुझे सेब ने बुलाया, तो उसके बेटा कामिल, उसकी साइज क्लाक की बहू खसीबा, तो हमारे घर में चोरी हो गई, जरा बाजी कहीं फल खुलवाने जाओ। मैंने कहा कहाँ जाऊँ, फला जागा। नाम बताया उन्होंने सारे नौकरों का, कि एक सवाना, एक नैना, एक रहनुमा, एक बुसरा और एक लड़की और है इकरा और एक मेजबी, इनके नाम। मैंने कहा ठीक है। अब हमारे उन्होंने फाल नहीं खोली, तो बोले 11:30 बजे हमारे पैसे मेजबी ने चुराए, तुम्हें यही काम करना पड़ेगा। अब हम नहीं जा रहे, मेजबी हमारी तो बार बार हमारे घर भेज रहे हैं अपने जवान को, कि अगर आज की धमकी दी हुई, अगर नहीं आए तो पुलिस में पकड़वा देंगे, 5 लाख की चोरी कर ली, इसमें रखना चाह रहा हूँ। कब से काम कर रहे हो आप उनके यहाँ पे? शायद अगला 14 साल चल रहा है। अच्छा, 14 साल, तो आप क्या आरोप लगा रहे हैं आप पे? वो चोरी का, 5 लाख की। अच्छा, तो आप यहाँ पर आज कैसे आए? यहाँ पर SSP साहब के यहाँ पर आए आप? अरे हमें परेशान कर रहा है वो, तो बताओ हमारे पे जो हकीकत हो वो भी बयान नहीं करे, हकीकत जो है हम फिर अपनी बयान तो करेंगे, ये बताओ। इसी बीच यह भी जानकारी में आया कि बीती रात साजिदा व उसकी नाबालिग बेटी को घर पर बुलाकर केस वापस लेने के लिए दबाव बनाया गया।
इसमें वह सफल भी हो गए। इसकी बकायदा वीडियोग्राफी कराई गई। इसमें साजिदा यह कहते हुए नजर आ रही हैं कि दबाव में आकर उसने आरोप लगाए थे। इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट।